18 अप्रैल 2010 को हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में एक मैच हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच ये मुकाबला आखिरी ओवर तक गया था। महेंद्र सिंह धोनी ने जो यहाँ किया वो हर किसी का एक सपना होता है कि कभी अपने करियर में ऐसा कमाल करेंगे। जब चेन्नई को आखिरी दो ओवर में 29 रन चाहिए थे तब जाकर धोनी ने वो मैच अपनी टीम को जिता दिया। धोनी के लिए उस वक्त ये आम बात हुआ करती थी क्योंकि वो अक्सर ऐसा कर दिया करते थे, कभी टीम इंडिया के लिए और कभी सीएसके के लिए। धर्मशाला में मैच होना ही कमाल होता है, लेकिन आज की कहानी धोनी के किसी मैच को जिताने से नहीं बल्कि ये मुद्दा खाने से जुड़ा हुआ है। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज एमएस धोनी के उस फैसले की बात होगी जो क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि होटल में लिया गया था। धर्मशाला के उस मैच से इस कहानी को इसलिए शुरू किया क्योंकि इसी सीजन के दौरान जब चेन्नई सुपर किंग्स एक 3-स्टार होटल में रुकी हुई थी तब वहां एमएस धोनी को खाने में मजा नहीं आ रहा था। तब एक शाम को एमएस धोनी अपने पूरे स्टाफ के साथ सड़क किनारे ढाबे पर चले गए थे, वहां पर ही पूरी टीम ने खाना खाया था। ये धोनी का अंदाज था और ऐसा धोनी ही कर सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा जो काफ़ी मज़ेदार रहा वो साल 2014 का है। आईपीएल की ही तर्ज पर शुरू की गई चैंपियंस लीग भारत में खेली जा रही थी। उस साल आईपीएल का कुछ हिस्सा भारत में नहीं हुआ था क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे थे और उसे यूएई शिफ्ट कर दिया गया था। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि सितंबर अक्टूबर में होती है तो भारत में ही इसे कराया गया। इसी दौरान एक मैच के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हैदराबाद में रुकी हुई थी। यहाँ पर एक 5-स्टार होटल में सभी खिलाड़ी मौजूद थे। हमने अक्सर ये किस्सा सुना है कि कैसे एमएस धोनी अपने होटल रूम में हमेशा अपना दरवाज़ा नए लड़कों के लिए खोल कर रखते हैं। धोनी के कमरे में चौपाल लगती है, लोगों के लिए खाने का सामान आता रहता है, मस्त चर्चाएं चल रही होती है और ऐसी ही चौपाल उस वक्त भी लगी हुई थी। तब उस होटल में बिरयानी मंगाई गई थी। अब आप हैदराबाद में रहें और बिरयानी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ भी यही हुआ, एक बड़ा ऑर्डर बिरयानी का दिया गया। हैदराबाद के एक 5-स्टार होटल में ये टीम रुकी हुई थी। अब इस होटल का एक नियम था कि आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते हैं। अपने कई जगह खाना खाया होगा और इस तरह का नियम ऐसा होता ही है कि इस होटल का भी एक ऐसा ही नियम था। बस छूट इतनी दी गई थी कि आप छोटी मोटी चीज़ तो मंगवा सकते हैं, लेकिन जब चेन्नई सुपर किंग्स ने 5-6 बड़े बड़े डब्बे भरकर बिरयानी मंगवा ली तो मुश्किलें तो होनी ही थी और ऐसा ही हुआ भी। होटल वालों ने बिरयानी को अंदर आने से रोक दिया। इसी बात पर टीम की बहस हो गई और महेंद्र सिंह धोनी गुस्सा हो गए। मालूम पड़ा कि एमएस धोनी ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला कर लिया और धोनी अपने परिवार के साथ बाहर आ गए और दूसरे होटल में जाकर शिफ्ट हो गए। क्योंकि कप्तान साहब ने ऐसा कर दिया था तो पूरी टीम ही उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। एमएस धोनी ने अपनी टीम के मालिक और तब के बीसीसीआई चीफ एन श्रीवासन को फ़ोन लगाया और बोला कि हम इस होटल में नहीं रुकना चाहते हैं और आगे से रुकेंगे भी नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की वो इकलौती टीम है जहां जो कप्तान चाहे वही होता है। यहां फ्रेंचाइजी ने पूरी तरह से खुली छूट एमएस धोनी को दी हुई है। ऐसे में कप्तान की बात मानी गई, टीम ने होटल छोड़ दिया। कमाल तो ये है कि उसी होटल में बीसीसीआई के अधिकारी भी रुके हुए थे, लेकिन जब मालूम पड़ा कि मसला इतना बड़ा हो गया है तो उन्होंने भी होटल छोड़ दिया। अब इस कहानी को लेकर अलग अलग बातें सामने आती हैं, कुछ कुछ किस्से बताए जाते हैं, हम आपको एक एक बातें बता देते हैं। एक किस्सा ये आया कि क्योंकि अंबती रायडू का घर हैदराबाद में ही था और एमएस धोनी बिरयानी के शौकीन थे तो उनके लिए बिरयानी रायडू के घर से आई थी। एमएस धोनी और सारे टीममेट्स के लिए रायडू के घर से बिरयानी आई, लेकिन होटल ने अंदर नहीं आने दिया। अब एक दूसरी कहानी ये है कि एमएस धोनी की वाइफ साक्षी धोनी ने हैदराबाद की फेमस बिरयानी खानी चाही और उन्होंने बाहर से ऑर्डर कर दी, लेकिन होटल ने अपनी पॉलिसी के तहत भारी खाने को अंदर आने नहीं दिया और इसी बात पर साक्षी धोनी खफा हो गई। ये बात एमएस धोनी को मालूम चली तो वो ज़्यादा ही खफा हो गए और फिर बात होटल छोड़ने तक पहुंच गई। अब यह आप सोचिए कि सीएसके, बीसीसीआई, बाकी चैंपियंस लीग से जुड़ी बाकी अधिकारी उस होटल में रुके हुए थे, 180 से ज़्यादा कमरे बुक किए हुए थे, लेकिन कुछ ही घंटे में सभी के सभी खाली कर दिए गए। टीम उसकी जगह ताज कृष्णा होटल में शिफ्ट हो गई। यहाँ तक कि बीसीसीआई के चीफ एन श्रीनिवासन को भी अगले दिन हैदराबाद आना था, उनका भी होटल बदला गया और नए होटल में उन्हें शिफ्ट किया गया। ये बताता है कि एमएस धोनी का चेन्नई की टीम में क्या रुतबा था
और किस तरह सिर्फ बिरयानी के चक्कर में ही पूरा का पूरा होटल खाली कर दिया गया था। सोचिए कि उस होटल में एक लग्जरी कमरे में रुकने के लिए एक दिन का किराया कम से कम 10,000 रुपये होता है। कोई टीम अगर रुकती है तो क्या ही खर्चा होता था, या 180 कमरे बुक होते हैं तो क्या ही होता होगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि होटल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और उसने आईपीएल की सबसे बड़ी टीम का भरोसा भी खो दिया था। आईपीएल से जुड़े इस किस्से में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।